8 साल से नौकरानी को प्रताड़ित करने वाली रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही सीमा पात्रा गिरफ्तारी के डर से फरार होने की कोशिश में थी, उससे पहले अरगोड़ा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पिछले दो दिन से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। वही पुलिस ने सीमा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सीमा को 12 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। 29 साल की एक आदिवासी दिव्यांग लड़की को रिटायर आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी ने घर में काम करने के बहाने से उसे 8 साल तक कैद करके रखा था। वही पीड़िता का नाम सुनीता है। उसने बताया कि उससे पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था और रॉड से पीटा जाता था और गर्म तवे से जलाया भी जाता था। फिलहाल उसे कैद से छुड़वाकर रांची रिम्स में भर्ती कराया गया है। इधर सीमा पात्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। वही सीमा पात्रा ने कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। वही राज्यपाल रमेश बैस ने भी सीमा पात्रा के मामले पर संज्ञान लेते हुए अपनी नाराजगी जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।